सरकार अपने स्तर पर भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत काम करने का दम भरती है, मगर अधिकारी पीठ पीछे मिलजुल कर इतना बड़ा घोटाला कर जाते हैं कि किसी को कानोकान खबर नहीं होती। ऐसा ही कुछ हुआ है पलवल में, जहां जिला प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर करीब 150 गज जमीन का मालिक इतने लोगों को बना दिया कि मुआवजा राशि करोड़ों में पहुंच गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुंबई दादरी रेलवे फ्रंट कॉरिडोर जमीन अधिग्रहण सहित अवार्ड घोटाले की, जिसकी जांच के बाद आज पलवल के तीनों एसडीएम समेत 22 कर्मचारियों तक पहुंच गई है। रेलवे का आरोप है कि इन लोगों ने 78 गज जमीन के अवार्ड के लिए 150 परिचित लोगों को मालिक बनाया और जमीन अधिग्रहण में करीब 45,000 रुपए के अवार्ड को बढ़ाकर 22 करोड़ तक कर दिया गया था। अधिकारियों ने एक साजिश के तहत कुछ जमीन का हिस्सा अधिग्रहित नहीं किया, एक साजिश थी अधिकारियों की, और उस मामले को दबाए रखा। जब दोबारा से उसका एक प्रूव हो गया, मैप बन के गया, तो अधिकारियों ने कहा कि इसमें इतनी ज़मीन की हमें और ज़रूरत है जो इन्होंने अधिग्रहित नहीं की थी। जब दोबारा से उस ज़मीन को अधिग्रहित किया गया, तो इन्होंने जो अधिग्रहित करने का जो एक नोटिस जारी होता है, जिसके तहत आप ज़मीन को नहीं बेच सकते, उस नोटिस को इन्होंने दबाए रखा। इनकी जानकारी में था लेकिन सर्कुलेट नहीं किया उसे, और उस जानकारी में आने के बाद इन लोगों ने ज़मीन की खरीद फरोख्त शुरू कर दी। कई लोगों ने, करीब करीब 493 लोगों ने छोटे छोटे टुकड़ों में, 6 गज में, 7 गज में, 10 गज में, 12 गज में, 40 लोग, 50 लोग, इस प्रकार से अनेक लोग शामिल होते गए और रजिस्ट्री करवाते चले गए। जब इसका अवार्ड सुनाने का टाइम आया, तो एसडीएम जो थे उन्होंने इस मामले में जानबूझ के लापरवाही बरती, जबकि एक जो अकाउंट है, यानी एक जो रजिस्ट्री है, उस पर एक अवार्ड होना चाहिए। एसडीएम ने लाभ दिलाने के लिए अनेक लोगों को, उसमें जितने लोग रजिस्ट्री में थे, सबका अवार्ड घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक अधिकारियों ने जानकर एक जमीन का टुकड़ा छोड़ दिया था, और जब कॉरिडोर का मैप पास हो गया तो उन्होंने उस टुकड़े को खरीदने की जरूरत बताई, और यहीं से इस घोटाले का खेल शुरू हो गया। खुद रेलवे विभाग ने पलवल के डीसी और हरियाणा के सीएम से शिकायत लगाए गए, और जब मामले की जांच हुई तो मुंबई दादरी रेलवे फ्रंट कॉरिडोर जमीन अधिग्रहित अवार्ड में घोटाले की बू भी आई है। साफ तौर पर अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही को जांच रिपोर्ट में दर्शाया गया है। 10 मार्च को एसडीएम कार्यालय को मुंबई दादरी रेलवे फ्रंट कॉरिडोर अधिकारियों की शिकायत पर सील भी किया गया। एसडीएम कंवर सिंह ने रेलवे के लिए अधिग्रहित जमीन के परिचित हिस्सों को लाभ पहुंचाने की नियत से अवार्ड सुनाते समय रिहैबिलिटेशन एंड सेटलमेंट पॉलिसी का प्रयोग किया। मुंबई दादरी रेलवे का यही वो कॉरिडोर है जिसकी जमीन अधिग्रहण में अनियमितताएं बरती गई हैं। एसडीएम ने अपने परिचित लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए जो अवार्ड घोषित किया, उसकी कीमत लगभग 45,000 रुपये से बढ़ाकर 22 करोड़ रुपये तक पहुंचा दी। यह बढ़ती हुई कीमत रेलवे विभाग को रास नहीं आई और उन्होंने मामले की शिकायत पलवल डीसी से की, साथ ही शिकायत प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर से भी की गई। जांच जब की गई तो जांच की आंच 3 एसडीएम, 5 तहसीलदार सहित 22 कर्मचारियों तक पहुंची। अब देखना यह होगा कि इस जांच में कौन कौन लोग दोषी पाए जाते हैं और इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल एक एसडीएम को सस्पेंड कर दिया है और लोगों को नोटिस दिया गया है। रेलवे के लिए अधिग्रहण वाली जमीन के छोटे छोटे टुकड़े, जैसे 7 गज, 12 गज, 15 गज में 30-30, 40-40 लोगों के नाम शामिल कर दिए गए। इनमें जींद, कैथल, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, सोनीपत के लोगों को शामिल किया गया। रजिस्ट्री में दर्ज नामों के पूरे नाम व पते नहीं दर्शाए गए। प्रिथला और छपरौला में दर्ज 8 रजिस्ट्रियों में भी इसी प्रकार अधिकारियों द्वारा हेराफेरी की गई है। करीब 100 गज जमीन में 493 लोग के नाम शामिल किए गए, ताकि विभाग से अवार्ड व नौकरियां प्राप्त की जा सके। इस बारे में रेलवे ने साल 2019 के एक आदेश का हवाला देते हुए अवार्ड देने से इनकार कर फरीदाबाद के कमिश्नर संजय जून की अदालत का दरवाजा खटखटाया था। बहरहाल प्रदेश की सरकार ने एसडीएम कंवर सिंह को निलंबित कर 7 नियम के तहत चार्जशीट किया है। साथ ही एसडीएम कंवर सिंह, जितेंद्र कुमार, डॉक्टर दिनेश के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।